दोस्तों नमस्कार। ये तीसरा वीडियो है, यूपी पशु वैक्सीनेटर पार्ट 3 बना रहा हूँ। जो बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 से, उसमें पहला ही क्वेश्चन आया कि मानदेय कितना होगा। बच्चों ये स्वरोजगार योजना पर आधारित है, योजना भारत सरकार की है और उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई है। इसमें जिस गांव के आप वैक्सीनेटर सिलेक्ट हो जाएंगे उसमें 3 रुपया प्रति पशु आपको दिया जाएगा, और जो सहायक है वो पशुओं के कान में बिल्ली लगाने का काम करेगा, उसे 2.5 रुपया प्रति पशु दिया जाएगा, ठीक है। और जो वर्क निकलेगा वो आप अपने पशु चिकित्सा अधिकारी के संपर्क में रहेंगे, तो उनके सहयोग से गांव में और धन उपार्जित करने के मौके अवसर आपको जरूर मिलेंगे। सर मैं यूपी से हूँ, अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन है, सर मैं यूपी से हूँ। हाँ, यूपी के तो मैं बता ही रहा हूँ, यूपी के हर गांव में ये स्कीम है, हर गांव में, ठीक है, हर ग्राम पंचायत में ये स्कीम है। दो, एक वैक्सीनेटर, एक सहायक की भर्ती होनी है, ठीक है। सर ये बताइए इसका चयन कब होगा। चयन की, बच्चों तीसरा जो क्वेश्चन है कि सर ये बताइए इसका चयन कब होगा। बच्चों चयन की प्रक्रिया चालू है, कहीं कहीं ब्लॉक में अंतिम चरण में है, कहीं शुरुआत हो रही है और कहीं चयन हो चुका है। ये अभी तक कहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी तक ये सूचना नहीं है मेरे ख्याल से। अभी जैसे बरेली में अभी नहीं है, चयन प्रक्रिया चल रही है, रामपुर में अभी फाइनल नहीं हुआ है, ऐसे ही हर जिले में ये फाइनल अभी नहीं हुआ। मुझे लग रहा पूरे फरवरी ये चलेगा। फिर भी आप लोगों से निवेदन है कि जितना जल्दी हो अपने सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी के पास ये फार्म जमा करा दें। सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर चलेगा, उसे आप ले सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा। सर मैंने अपना फार्म जमा कर दिया है, सिलेक्शन कब तक होगा। पांचवा क्वेश्चन है, आपने फार्म जमा कर दिया है तो अपने जिस नज़दीकी पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जहाँ आपने फार्म जमा किया है उनके संपर्क में बने रहें, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही आपका सिलेक्शन करके लिस्ट आपको दे दी जाएगी या आपको सूचित कर दिया जाएगा। सर इसी तरह का वीडियो बनाते रहें। छठवां क्वेश्चन, अच्छी बात है, इस तरह से कहने से मेरा और हिम्मत बढ़ेगी और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ट्रेनिंग कैसे होगी। हाँ ट्रेनिंग, इसमें क्या सिलेक्शन होने के बाद पशु चिकित्सा अधिकारी ही आपको ट्रेनिंग देंगे। गांव में पशुओं को वैक्सीनेशन कैसे करना है, पशु को टीका कैसे लगाएंगे, पशु को टीका लगाने वाली निडल की लंबाई क्या होगी, उसको साफ सुथरा कैसे रखेंगे, सिरिंज को किस तरह पकड़ेंगे, हैं जहां आपको निडल चुबोनी है पशु के वहाँ स्प्रिट कैसे लगानी है, बीटाडीन से साफ कैसे करना है और कैसे आपको पशुओं को हैंडल करना, ये सब बताएंगे। पशु कहीं आपके चोट ना मार दे वो भी आपको बताएंगे कि आपको पशुओं से बच के उनको टीका भी करना है, तो ठीक है। सर ये बताइए फार्म कहाँ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि सर फार्म कहाँ मिलेगा। बेटा थोड़े आप लेट हो रहे हो, इसके लिए फार्म मिल रहे हैं मेरे व्हाट्सएप से, आप कनेक्ट करेंगे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर से भेज दूंगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को व्हाट्सएप नंबर से भेजा है, ठीक है। फिर भी इस वीडियो के आगे बीच में एक इसका PDF मैं डाल दूंगा, उसे आप स्क्रीनशॉट करके निकाल सकते हैं। सर मुझे करना है, मैं BA पास हूँ, हेल्प मी। नवा क्वेश्चन है, अच्छी बात है, लेकिन बेटे ये मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो जिन बच्चों की उम्र ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और उन्हें कहीं कोई और रोजगार नहीं मिल रहा है और गांव में ही रहना चाहते हैं, गांव में ही अपना बिजनेस करना चाहते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं और पशुपालन से भी आप इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि मुझे जितना अनुभव है, हिंदुस्तान में पहली बार कोई अर्ध सरकारी या जो भी इस तरह की वैक्सीनेटर की जगह निकली है उसमें 50 साल की उम्र अधिकतम रखी गई हो, 50 साल के मेरे अनुभव में मुझे नहीं लग रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी है। जिन लोगों की उम्र 50 साल से नीचे है, 40 से 50 साल में तो कहीं नौकरी मिलनी नहीं है आपको, तो 50 40 50 पहली है ये आपको स्वरोजगार योजना की नौकरी आपको मिल रही है। तो सर मुझे करना है, मैं BA पास हूँ, हेल्प मी, अच्छी बात है। BA पास है तो आप जिस फार्म भरे हैं तो हाई मिनिमम हाई स्कूल है,
किसी भी साइड से हो, आर्ट साइड से हो या साइंस साइड से, ठीक है। तो आप इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट लगाएं, इंटर की मार्कशीट लगाएं, बीए पास है उसकी लगा दें, जितनी क्वालिफिकेशन आप सब उसमें नत्थी कर दें पेपर में और अपने पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा करा दें। कौन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया सर, कौन सा ठीक रहेगा, सहायक वैक्सीनेटर? बेटे इसमें वैक्सीनेटर के पद अच्छा रहेगा, सहायक तो सहायक ही है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। इसमें वैक्सीनेटर का पद मेन रहेगा, सहायक तो हमेशा सहायक रहता है, वो आपसे नीचे वाला पद रहेगा। तो लेकिन वैक्सीनेटर काम पशुओं टीका लगाने का, सहायक का काम पशुओं के कान में बिल्ला लगाने का। एक बड़ा कोटेशन आया है, वो शब्द मैं आपको नहीं बताऊंगा, कोटेशन दिया, ऐसे शब्द का भाषा का प्रयोग ना करें क्योंकि आप सभ्य बच्चे हैं, सभ्य आदमी हैं, क्योंकि जब आप कोई वीडियो बनाएंगे तब देखना कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो ऐसे ऐसे शब्द ना डालें, ठीक है। उससे मुझे नहीं लग रहा है कि मैं हिम्मत हारूंगा, वो मैटर नहीं है, पर ठीक नहीं लगता, इससे साबित होता कि आप अच्छे आदमी नहीं हैं जो शब्द आप लिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मेरे इस वीडियो बनाने से एक बच्चे का भी फायदा हो जाता है तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। और इसमें एक कोटेशन गलत आया है, 99% बच्चों के सही हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, पर जिन्होंने लिखा है मैं उनके लिए जवाब देना चाहूँगा, भाषा का सही प्रयोग करें। आप इस वीडियो पर भाषा का इस तरह का शब्द बोलेंगे तो लग रहा है आप अपने परिवार में भी शब्द बोल रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। सर इनका चयन कब होगा, जल्दी बताएं? हाँ ये क्या है, कुछ बच्चों को बहुत जल्दी हो रही है, चालान वो फार्म जमा कर दिया है, मेरे ख्याल फरवरी में या मार्च के पहले वीक में चयन हो जाएगा, ठीक है। चिंता वहाँ बढ़ जाएगी, आपकी ग्राम सभा से 2 से ज़्यादा फार्म गए हैं। देखिए एक वैक्सीनेटर का चयन होना, दूसरा सहायक का चयन होना, अब उसमें दो वैक्सीनेटर और दो सहायक, मान चार पद चले गए, अब चार में दो कट करने पड़ेंगे, तो वहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी आपका आपके कागजों को देख करके दो को निकालेंगे उसमें से, दो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो उनके विवेक के ऊपर है किसको रखा जाए, क्योंकि विवेक का कोई दायरा नहीं होता, पशु चिकित्सा अधिकारी बहुत सारे एंगल देख करके ही आपके फार्म को रिजेक्ट करेंगे, दो को सिलेक्ट करेंगे। उनके दिमाग में ये रहना रहेगा सिलेक्ट करते समय, ये बच्चा गांव में ज़्यादा से ज़्यादा टिक सकता है, क्यों कहीं अन्य रोजगार जाएगा तो ये पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग की जो ट्रेनिंग होगी वो कहीं नुकसान न हो जाए। फिर एक शब्द आया है, थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा। चलिए फिर ये दो थैंक आए हैं मैं उसमें कोटेशन पर, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे बोलते रहिए, अच्छी बात है, थैंक यू। मैं भी आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। सर कैसे पता लगेगा मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, ये तीसरा क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया। मैंने फॉर्म भर दिया है ब्लॉक के डॉक्टर के पास, ठीक है, आप ब्लॉक के डॉक्टर से कॉन्टैक्ट बनाए रखिए, बहुत जल्द सवेर आपकी लिस्ट निकल जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, सर मैंने फार्म डाल दिया है ना मेरे, हाँ अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सर आप फॉर्म भेज दीजिए। देखिए ऐसा आप ये काम मत करवाइए, मैं आपसे बड़ा हूँ और आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, उस पर हेलो भेजिए और डिटेल भेज दी, मैं आपको तुरंत आपको पीडीएफ भेज दूँगा, ठीक है। अब मैं आपके, आप मुझे नंबर लिख रहे हैं तो उसमें मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं आपके नंबर पर उसको फीड करूँ फिर सेंड करूँ, क्यों मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। कुछ बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन कम से कम करें, ऐसा नहीं है फ़ोन ना करें, बहुत इमरजेंसी हो तो फ़ोन करना, अन्यथा व्हाट्सएप पर हेलो भेजें, नाम पता भेजें और उस पर साउंड भेज दें, शब्द लिख के भेज दें, मैं आपको जवाब 100% दूंगा। तो आपकी पहली प्रक्रिया है कि आप जल्दी से जल्दी इसमें सेलेक्ट हो जाएं, फिर आगे के जो वीडियो बनेंगे वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पशुओं का आप किस तरह से सेवा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।